जी सब लोग सब बहुत एक्साइटेड। क्या हुआ? नहीं आप चालू रहिए। अच्छा तो आपने क्या परफॉर्म किया, आपका अनुभव? हमारा परफॉर्मेंस लास्ट वीक था, आज हम होस्ट करने हैं मलाड मस्ती और हम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को। हम दोनों को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी आने वाले हैं, अभी तो लास्ट टाइम से क्राउड आज तो ज्यादा ही हाइप है, बट यू नो एमए बनता है ऑब्वियसली, बट उन्होंने पूरा हाइप कर दिया मामला, पूरा मलाड मचाएंगे तो सच में मची गया, मचा दिया, बहुत अच्छे से मचाया। बट अभी और मजा आने वाला है बिकॉज़ वी सिंग आर अबाउट टू कम एंड रोशन आर अबाउट टू कम, सो इट्स लाइक वी आर वेटिंग फॉर देम एंड वेरी एक्साइटेड। हम उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे। हम चेस उछल उछल के मचाएंगे, डांस करेंगे, जाम करेंगे, बहुत मजा आया एक्चुअली। अभी भारती मैम मोस्टली जाने वाली है लैपटॉप लिए इंडिया, और क्या चाहिए, अब आप सब हंस हंस के पागल होने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली हम फॉलो, एक्चुअली हम सुनते सब है, अभी हमने सुना है गाने जो चल रहे हैं बहुत सारे, बट एक्चुअली सारे रैप आजकल, ये रैप बहुत चल रहे हैं। और बहुत मजा आता है सबके साथ इंटरेक्ट करने में। और इस बार इस इवेंट का जो सबसे मेन टॉपिक था वो है चाइल्ड अब्यूज को लेके। बहुत ही नोबल कॉज है असम सर ने जो लिया है चाइल्ड अब्यूज को लेके, कि हम सबको यू नो चाइल्ड अब्यूज की अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए नॉट ओनली इंडिया अक्रॉस द ग्लोब। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ इंटरेक्ट करूँ। चाइल्ड अब्यूज जैसे मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात की जा रही है, कितना जरूरी मानते हैं आप इस तरह का अवेयरनेस? बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा जो मैसेज दिया जा रहा है मलाड मस्ती जैसे इतने बड़े इवेंट के द्वारा, असलम सर के द्वारा, जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये बहुत हमारे जो समाज में ये जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लोग शर्माते हैं। मेरे ख्याल से सबको ये अवेयर होना चाहिए, हमारे घर में भी हम सबको अपने बच्चों को अपने से छोटों को ये समझाना चाहिए, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टू टॉक अबाउट इट लाउडली, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू असलम सर फॉर दिस अमेजिंग इनिशिएटिव। आपका अनुभव किस तरह रहा क्राउड में परफॉर्मेंस करने का और क्या सक्सेस का कारण मानते हैं मलाड मस्ती का? मैं पहली बात तो सक्सेस का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि ये पांचवा साल है मलाड मस्ती का और हम सब क्राउड देख सकते हैं कितना अच्छा क्राउड आया हुआ है, कितने अच्छे लोग आए हुए हैं और इतने नोबल क्रू कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मलाड मस्ती एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड असलम सर फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। आपकी बात जो है हो जाए सच, हम भी दिख जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा एक साथ पर्दे पे दिख के एंड बहुत जल्दी। फिलहाल जितना मैंने अभी बीच बीच में देखा है मुझे सब में से अब्दू और एमसी बहुत अच्छे लगते हैं, सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी नाइस एंड फेयर गेम, तो मतलब उतना ही फॉलो किया है तो मेरे हिसाब से तो अभी मेरे फेवरेट हुई। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, नया साल आ रहा है, अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस बनाइए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे रेजोल्यूशन बनाइए, उन्हें कंप्लीट कीजिए और 2023 को अपना बनाइए। इनिशियलाइजेशन बाय हमारे असलम जी, असलम जी बहुत खास भाई हैं मेरे, मेंटर हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आज का मुद्दा हम लोग आज आए हैं ये पिछले 5 साल से चल रहा है, इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट एज यू कैन सी के क्राउड जिस हिसाब से संडे मॉर्निंग उठ के आता है इट शो गोज टू शो के हाउ मच दे लव दिस इवेंट। और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में जो आज हमारा ये ड्राइव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमारे यूथ कैन ओनली मेक द डिफरेंस, क्योंकि जो आने वाली हमारी जनरेशन है दैट इज आर यूथ एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू टेक द लेगेसी अहेड। जो भी हमने आज तक किया है, जो भी हमने हमारे देश को आज तक बनाया है, वो हमारी यूथ आगे लेगेसी लेके जाएगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम हियर टू सपोर्ट दैट।
वेल बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई जस्ट कैन टॉक अबाउट इट क्योंकि मैं एक फाउंडेशन में हूँ, बट द ऑडियंस विल सी मी एंटरटेनिंग देम अ लॉट दिस ईयर इंशाल्लाह। सो हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा पिकी एंड चूजी हूँ, बट यस इंशाल्लाह यू विल सी मी इन रियलिटी शो टू। नहीं यार, क्या है ना, मैं अपने आप को अभी भी उतना काबिल नहीं मानता कि मैं बैठकर किसी और को जज करूं। ये लोग मानते हैं कि मैं काबिल हूं, तो लेट्स सी, व्हाटएवर आई फील आई डू इट। फॉर ऑल द फैंस फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेटिंग द हॉलीडेज, बी सेफ, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, स्प्रेड अ स्माइल, क्योंकि द स्माइल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी, सो कीप स्माइलिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस यहाँ पे आए वो भी रविवार को, संडे को, सो थैंक यू आने के लिए। एंड फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ एनिवर्सरी है, और एक गैप के बाद मलाड मस्ती आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं हिस्सा बन पाई। एंड थैंक्स टू असलम जी, उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। एंड हमेशा एक स्पेशल कॉज के लिए होता है, इस बार चाइल्ड अब्यूज के लिए है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी पब्लिक है, और कुछ लोग यहाँ सुबह 5:30 बजे से आए हैं। ये एनर्जी देख के, वो एक अच्छे कॉज के लिए, वो भी संडे को सुबह सुबह, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। जी सरप्राइजेस जो आ रहे थे उन्हें मैंने मना कर दिया, तो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे एक रियलिटी शो में, वो अभी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा किसी चीज की शुरुआत करो तो बिगनिंग से करना चाहिए, बीच में क्या है। और बाकी जो मेरी सीरीज आ रही है वो जनवरी में है और दिसंबर, और अभी मेरे गाने को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, दुआ करो को, तो थैंक यू गाइज, हमेशा मजा आता है, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते, कुछ भी। मेरा लुक आप लोग को बहुत अच्छा लगा, पहली बार एक मुस्लिम लुक था मेरा, एंड वो नमाज का लुक सबको बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू, एंड ऐसे कुछ नया नया देखते रहेंगे आप लोग, थैंक यू। यार मैंने इस बार बिग बॉस काफी कम फॉलो किया, एंड मुझे लगता है इस बार बिग बॉस का बस मुझे थोड़ा पर्सनली कम लगा, एंड काफी कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, अभी कुछ वाइल्ड कार्ड्स तड़का लगाने के लिए भी आ गए हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुछ लोगों का गेम, एंड आई होप देखिए मे द राइट पर्सन विल। जो अगर सुन रहे हैं वो मौका दे तो प्लीज वाइल्ड कार्ड में ना दे, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड में तो नहीं आऊंगी, सो थैंक यू, बट हमेशा बिग बॉस वालों को एंड एंडमॉल वालों को हमेशा मुझे याद करने के लिए, बट मौका मिलेगा तो जाएंगे, पर डे वन से बीच में। मेरी मेरी क्रिसमस गाइज, यही वाइब रखी है, फाइनली लॉकडाउन के बाद हम लोग ये चीजें बाहर आके सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, सो मेरी क्रिसमस इन एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज, हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर, लव यू ऑल। More than a pleasure, it was a privilege to be here. Not because of my achievements or whatever, but because I was able to address such an enthusiastic crowd that we have today. It's the most amazing crowd I've ever had in my life. I've been to a lot of events, but Malad Masti is on a different level. I think it's not only representing the enthusiasm of India, but I think it could just reach Asian level very soon. So yeah, my friend Jay is one of the organizers. And Aslam sir, I think he's doing incredible that he's always done. I was the one who felicitated him, and when I got to know about it, I was really enthusiastic about it because I was looking forward to it. I've been a huge MMA fan. In fact, let's hope I get featured in one of the series. Oh yes, my web debut has just released. It's called Tu Sakhum Hai on MX Player, and my Indie feature film as a debutant, as it will be out in a couple of months, it's called Leela Manju. So I'm really looking forward to it. It's actually India's first film on drag race and LGBTQ community, which majorly needs a representation these days. So, thank you so much.